हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं वेलहैम। सो गाइस, आज के एपिसोड में हम लोग जाने वाले हैं ये वाले फर्स्ट इक्तियार को मारने के लिए। यस गाइस, आज हम लोग फर्स्ट बॉस फाइट करने वाले हैं। लेट्स सी हमें वहां पे सक्सेस मिलती है कि नहीं। बट उसके पहले यहां पे सारी चीज़ें हम लोग कर देते हैं रिपेयर। उसके बाद यहां पे गाइस आप देखोगे तो मेरे एक फायर एरो भी आ चुके हैं। सो फायर एरो के लिए मुझे चाहिए रेजिन फेदर, तो दोनों चीज़ें ले लेते हैं। सो गाइस, मुझे थोड़े से उसके पहले वुड मुझे थोड़े से चाहिए, तो थोड़े से वुड यहाँ से कट कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग हमारे फायर एरोज बना पाएंगे। सो थोड़े से गाइस मैं यहाँ से लॉक्स में कलेक्ट कर रहा हूँ। और उसी के साथ साथ गाइस मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। इसका ग्राइंडिंग ऑफलाइन बहुत ज़्यादा रहता है, तो क्या आप चाहते हो कि इसका मैं ग्राइंडिंग लाइव स्ट्रीम में कवर करूँ? तो अगर आप चाहते हो कि हम लोग लाइव स्ट्रीम करें इसका वेलहैम का, सो हम लोग वहाँ पे ग्राइंडिंग कर सकते हैं। सो वो सारी जर्नी हम लोग साथ में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो उसके लिए आप प्लीज़ मुझे ये वीडियो को सबसे पहले तो आपको देनी है 20 लाइक्स। तो 20 लाइक्स का आपका टारगेट रहेगा। और उसके साथ साथ कमेंट में आप मुझे कमेंट करना लाइव स्ट्रीम। सो अगर आप चाहते हो लाइव स्ट्रीम हो इसका, तो लाइव स्ट्रीम कमेंट सेक्शन में गाइस ज़रूर से एंटर करो। सो उसका मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा, और वो भी मोस्टली मैं हो सकता है तो कल ही मैं इसका लाइव स्ट्रीम का सोच रहा हूँ। सो लेट्स सी कितने हमें रिस्पॉन्स मिलते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसकी लाइव स्ट्रीम हमें करनी चाहिए कि नहीं। बट अभी के लिए फ़िलहाल चलते हैं। और कितने यहाँ पे 23 वुड हो चुके ना, तो थोड़े से और वुड हमें चाहिए रहेंगे, क्योंकि हमें थोड़े से ज़्यादा एरो की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो यहाँ पे एक और यहाँ पे ट्री हम लोग तोड़ देते हैं। ओके, 44 हो चुके हैं यहाँ से। चलो ठीक है, आई थिंक 44 शुड बी गुड। और हम लोग थोड़े बहुत फायर एरोज़ भी बना देते हैं, क्या पता कि फायर एरोज़ हमें ज़्यादा हेल्प करते, राइट? सो फायर एरो यहाँ से ले लेते हैं। आ जाओ गाइस। सो पहुँच चुके हैं अभी हम लोग हमारे घर पे। तो सबसे पहले मुझे बनाने हैं फायर एरो। उसके लिए रेजिन और फेदर दो चीज़ चाहिए, तो वो दोनों चीज़ें, रेजिन तो चलो ये रहा, फेदर ये रहा, चलो ओके। सो यहाँ से हमारे बन जाएंगे फायर एरो और क्राफ्ट करते हैं। ओके, सो 20 बन चुके हैं, 20, 40, 60, आई गेस 60 शुड बी इनफ। चलो एक काम करते हैं, 80 बना लेते हैं। और ये वुडन एरो है, वो वुडन एरो भी हम लोग थोड़े से एक्स्ट्रा बना के चल रहे हैं। ठीक है, 98, आई थिंक दिस शुड बी गुड। सबसे पहला एरो है नॉर्मल वाला, ये है फ्लिंट हेडेड, और ये है हमारा फायर एरो। सो ये तीनों यहाँ पे रख दिया। हमारा खाना भी अच्छा है, अभी कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा अभी बढ़ा देते हैं, एक काम करते हैं, ये बाकी का जो रेजिन वगैरह है ना, वो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। आ जाओ गाइस। सो अभी करते हैं दरवाज़ा बंद और चलते हैं अभी हमारी फर्स्ट बॉस फाइट के लिए। सो इसका लोकेशन, ये जहाँ से हम लोग स्पॉन होते हैं उस साइड पे सबसे पहले जाना है। तो चलो गाइस, ठीक है चलते हैं, और मैं आपको वहाँ पे जाके ही मिलता हूँ। ओके, और यहाँ पे मुझे एक डियर नज़र आया है, तो डियर को क्यों ना लेके जाया जाए, क्योंकि डियर वैसे भी मिलते बहुत ही ज़्यादा कम है। नाइस, गुड शॉट। ओके, डियर ट्रॉफी। यार एक मिनट, मुझे क्या डियर ट्रॉफी ऐसा कुछ लेके जाना पड़ेगा क्या वहाँ पे? एक काम करते, रुको, डियर ट्रॉफी मैं लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपको पता हो गाइस, तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ समून करना था उनको, राइट? तो वो क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट रहेगा मुझे आइडिया नहीं है। सो यहाँ से मैं ट्रॉफीज ले लेता हूँ। ओके, सो आई थिंक 6 डियर की ट्रॉफी ली है, और वो आई थिंक सफिशिएंट होनी चाहिए। और एक काम करते हैं, यहाँ से ना ये दोनों मीट भी खा लेते हैं, सो दैट हमारी HP भी काफ़ी बढ़ जाए। ऑल राइट गाइस, सो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और एक मिनट रुको, यहाँ पे दूसरा डियर मिला है, और ओ बॉय सब थोड़ा सा रह गया, चलो कोई बात नहीं। तो अभी गाइस हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ डोनेट करना पड़ेगा। सो सबसे पहले एक काम करते हैं, मिथिकल
अल्टर एक काम करते हैं, यहाँ पे 6 नंबर पे रखता हूँ और यहाँ पे ओके, दो ट्रॉफी गई है। और भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब ये क्या हो रहा है, रुको 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 रुको, भाई साहब भागो 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 भागो। तो गाइज यहाँ पे आ चुका है फर्स्ट बॉस, आ जाओ भाई। ये लोग कहाँ बीच में आ रहे हैं यार, अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब, डैमेज 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 काफी ज्यादा मर रहा है, काफी ज्यादा डैमेज पड़ रहा है गाइस। रुको इसको ना यहाँ से लेते हैं सबसे पहले, तू आ जा साले, निकल इधर, इधर से निकल। ओके आ जाओ गाइस अभी, ओके दूर से ही मारने का ट्राई कर रहे हैं। भाई एक तो लग जा भाई, क्या दिक्कत है यार, ये उड़ किधर चला गया ये, ओके ओके फर्स्ट पड़ा, भागो भागो भागो, नाइस नाइस ओके, डैमेज पड़ रहा है डैमेज पड़ रहा है। एक मिनट मेरे ये फायर एरो निकालता हूं मैं, आ जाओ ओके, पड़ा डैमेज पड़ा, भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब गंदा डैमेज पड़ रहा है। रुको एक ये फिर से खाना पड़ेगा भाई, थोड़ा इधर चला जा, आ जाओ ओके नाइस नाइस, ओके डैमेज पड़ रहा है डैमेज पड़ रहा है उसको, साले इधर से निकल, साले निकल इधर से, यहाँ पे चल लो और भाई निकल ना इधर से निकल, किधर चला गया किधर चला गया बॉस, किधर चला गया भाई, एक मिनट बॉस किधर है, अच्छा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, यार काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है टारगेट करने में। ओके पड़ा पड़ा डैमेज पड़ा, नाइस गुड गुड, डैमेज पड़ रहा है डैमेज पड़ रहा है, बस ऐसे ही मारते रहना है। ओके चलो बच गए बच गए बच गए, भाई साहब काफी ज्यादा अंधेरा है यार, एक मिनट रुको, क्या मैं यहाँ पे कुछ चीज बना पाऊंगा, स्टोन चाहिए यार स्टोन चाहिए, रुको स्टोन का कुछ जुगाड़ करना पड़, ओए 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 दे, हट 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 हट, नाइस उधर ही रुक
एक मिनट भाई साहब, बो खत्म हो गया यार, खराब हो गया मेरा बो। अरे यार शिट, रुको अब इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। आ जाओ गाइस चलते हैं। ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई साहब डैमेज पड़ा काफी ज्यादा डैमेज पड़ा है। थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, एचपी का ख्याल रखना है। अरे यार डैमेज गाइस काफी ज्यादा पड़ रहा है। और भाई अभी वो मेरे नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे डैमेज पड़ रहा है और एग्रेसिव बन रहा है वो। चल फटाफट यूज कर एबिलिटी यूज कर। ओके चलो आ जाओ। डैमेज तो पड़ रहा है भाई, 33 लो। भागो 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 भागो। हाफ एचपी हुई है अभी गाइस, सिर्फ हाफ एचपी हुई है। थोड़ा सा दूर रह के मारते हैं। बट यार वो कहां से खराब हो गया यार इतना जल्दी। भाई 22 यार, एचपी भर जा यार, फटाफट एचपी भर जा। भाई 18 एचपी है। आ जाओ गाइस लड़ने का ट्राई करते। 10 एचपी यार, मरने वाला हूँ मैं गाइस, 100% में मरने वाला हूँ। तीन एचपी भाई, जो भी हो लड़ना तो पड़ेगा, छोड़ो। अरे यार ओके गाइस, सो हम लोग रिस्पॉन हुए हैं फिर से हमारे घर पे। तो मैं चलता हूँ फटाफट से यहाँ से इख्तियार के पास और वहाँ पे जाके आपको मिलता हूँ। ऑल राइट गाइस, सो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं इख्तियार के पास। बट मुझे वो नहीं पता है कि वो अभी तक जिंदा है गाइस। और एचपी उतनी ही है जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो रुको एक काम करते हैं यार, यहाँ पे तो पूरा वेदर चेंज हो गया। रुको एक काम करते हैं, यहाँ पे यार मेरी इन्वेंट्री सबसे पहले उठानी पड़ेगी मुझे। सो मैं मरा किधर था? ओके ये रही मेरी लाश। तो आइटम रिकवर कर दी है हमने यहाँ से। ओके और फटाफट से भाई आर्मर पहन ले। ओके आई थिंक वी आर गुड नाउ। आ जाओ अभी हाथ में लेता हूँ फिर से क्लब। और भाई सब डैमेज पड़ा है काफी ज्यादा। रुको डैमेज तो पड़ा है। आ जाओ यार। मैं काम करूं क्या, यहां पे एक वर्क बेंच बना लूं क्या यार? एक वर्क बेंच बनाना ना मुझे ऐसा लग रहा है एक बेटर ऑप्शन रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमें वो हमारा रिपेयर करना पड़ेगा कैसे भी करके। पे काम करते हैं, रुको यहाँ पे 4 नंबर पे जाके बिल्डिंग क्राफ्टिंग। ओके चलो यहाँ पे वर्क बेंच मैंने लगा दी है। ओके डैमेज पड़ रहा है अभी ना। इसके आजू बाजू में मुझे सबसे पहले
वॉल बनानी पड़ेगी। पैसा 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 पैसा, नहीं मत मार मत मार मत मार। दो साइड की वॉल बना दी है मैंने और वुड की रिक्वायरमेंट है। चलो नाइस, वुड यहां से थोड़ा बहुत मिल चुका है हमें। ओके नाइस, और अभी हमें ये 45 डिग्री वाला रूफ बनाना है। भाई थोड़ा साइड हट जा, साइड हट जा यार, साइड हट जा ब्रो। भाई बॉस फाइट के बीच में मैं ये क्या कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई सब तोड़ डाला। मिसिंग रिक्वायरमेंट, अरे यार वर्कबेंच ही तोड़ दी यार उसने। गाइस वर्कबेंच तोड़ दी उसने पूरी की पूरी। ओके जहां से वुड ले लिया, वुड आ जा फटाफट से, यहां से भी वुड आ जाएगा। आ जाओ। अरे नहीं यार, ये मुझे वर्कबेंच लगानी ही पड़ेगी तभी मैं यहां पे बिल्ड कर पाऊंगा चीज़ें। तो यहाँ पे लगा दी है वर्क बेंच। ओके उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल में जाना है। और यार वर्क बेंच लगाई तो सही मैंने। ओके आ जा थोड़ा दूर आ जा यहाँ पे आ जा। 42 HP बाकी है गाइज मेरी, 42 HP। आ जाओ अभी चलते इस साइड पे, जल्दी। बन जा ब्रो। होपफुली गाइज काम हो जाएगा अभी हमारा यहाँ पे। तो क्लब लेता हूँ हाथ में और लेट्स सी क्या ये वर्क बेंच काम कर रही है कि नहीं। ओके नाइस गाइस, हमने हमारा बो पूरी तरीके से रिकवर कर दिया है, आई मीन रिपेयर कर दिया है। उसके बाद वर्क बेंच टूट चुकी है। तो आ जाओ यहां पे चलते हैं। क्वी एक मिनट, ये बी वाला कुछ तो मिला मुझे, कोई बात नहीं वो सब चीजें देखते हैं बाद में। आ जाओ बो आ चुका है, आ जाओ गाइस अभी हम लोग आई गेस उसको मार पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। ऑल राइट आ जाओ। नाइस डैमेज पड़ रहा है, गुड। बस ऐसे ही मारना है, दूर से ही मारना है। ओके वी आर गुड नाउ। भागो, ये वाले एरो ले लो। ये सारे के सारे वुड में ले लेता हूँ।
ये फ्री का फार्म है हमारा। नाइस नाइस भाई साहब, थोड़ा सा संभल के कर पाएंगे। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऑलमोस्ट होने पे है, ऑलमोस्ट होने पे है। और गाइस यस, यहाँ पे हमने ये बॉस को मार दिया है फाइनली गाइस। हमें एक मिनट, हमारे पास स्पेस नहीं है ना, एक काम करते, रुको, ये स्टोन हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, और बे साले हट इधर से, साले तेरे बॉस को अभी अभी मैंने पीटा है यहाँ पे। ओके, सैक्रिफिशियल स्टोन को ये मुझे ऑफर करना है, मतलब गाइस मुझे अभी मेरे स्पॉन पे जाना है जहाँ से हमारा स्पॉन पॉइंट था, और वहाँ पे मुझे ये ट्रॉफी ऑफर करनी है। सो मुझे आई थिंक कुछ ना कुछ मिलेगा, उसके बाद मुझे मिला है हार्ड एल्टलर, अब इस वेरी हार्ड एल्टलर्स। सो ये किस काम का आएगा मुझे वो तो नहीं पता। और ये नेक ट्रॉफी मिली नहीं, नेक ट्रॉफी इधर से तो नहीं मिली, आई थिंक यहाँ से मुझे ये दो चीज़ मिली है गाइस, विच इज़ अ गुड थिंग। एक मिनट, ये नो रूम फॉर इन्वेंट्री ना यार, मैं क्या चीज़ निकाल सकता हूँ। क्वीन बी मिली है मुझे, और यहाँ पे हनी मिला है, मुझे पता नहीं है गाइस वो क्या काम का आएगा, मतलब किस तरीके से वो काम आएगा, बट अभी फ़िलहाल मैंने वो चीज़ ले ली है। सो चलते हैं अभी हम लोग यहाँ से हमारे स्पॉन पॉइंट पे, और लेट्स सी वहाँ पे क्या चीज़ें हमें ऑफर होती है। और भाई साहब ये काफ़ी ज़्यादा टफ था, तो हमें गाइस एक चीज़ का ख्याल अभी हमेशा से रखना है, जब भी हम लोग बॉस फाइट के लिए जाए, हमें हमारा बेड और क्राफ्टिंग टेबल वहाँ पे कैसे भी करके बनाना है, सो दैट हम लोग उधर ही सर्वाइव कर पाए, और अगर सर्वाइव ना कर पाए ना तो भी हम लोग का स्पॉन उधर ही हो, राइट। सो घर से वापस आने की कोई भी टेंशन ना हो। आ जाओ चलते हैं यहाँ पे, ये साइड से जाना है लेफ्ट साइड पे, आगे आगे। सो गाइज मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्टली हमारे स्पॉन पॉइंट पे पहुँच के। ऑल राइट गाइज, सो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे स्पॉन पॉइंट पे, और ये सारे बॉस है, सो उसमें से ये वाला ये वाले बॉस को हमने हराया है। तो एक काम करते ये ट्रॉफी लगाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे उसको करते हैं ऑफर। ओके, और पावर एक्टिवेट किया है। ओके, सो भाई साहब हमने एक पावर एक्टिवेट किया है यहाँ पे, एक मिनट रुको रुको। ओके गाइस, सो हमने हमारा फर्स्ट एल्डर, फर्स्ट बॉस हमने यहाँ पे मार गिराया है, और उसके सामने हमें उसकी एक पावर मिली है, वो क्या है हम लोग थोड़ी देर में चेक कर रहे हैं। बट अभी नेक्स्ट हमारा टारगेट जो है वो की है ब्लैक फॉरेस्ट में, सो अभी हमें एक्सप्लोर करना है ब्लैक फॉरेस्ट। सो अभी हमारे पास गाइज नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव भी हमें मिल चुका है कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। सो सबसे पहले चलते हैं यहाँ से गाइज हमारे बेस पे, और उसके पहले ये एक मिनट, ये इख्तियार का पावर यूज़ कैसे होता है वो एक बार देखना पड़ेगा। ओके, सो पावर एक्टिवेट हो चुका है, और वो होता है एफ से। सो ओ भाई साहब, मतलब हमारा स्टेमिना काफी ज्यादा बढ़ गया। ओके ओके गाइस, सो हमें काफी ज्यादा स्टेमिना मिला है, और एक मिनट ये क्या है भाई, ये तो हमने ऑलरेडी वहां पे हम लोग मार के तो आए, इसको इख्तियार को वहां पे मार के आए ना। सो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे सिर्फ मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है, और ये पावर है मेरा नेक्स्ट 5 मिनट तक चलेगा गाइस। सो हमें जाना है यहाँ पे बेस की ओर, चलो आ जाओ गाइस चलते हैं बेस की ओर। और जैसे कि आप राइट साइड पे देख पा रहे हो कि हमारा ये पावर लास्ट करेगा और 4 मिनट, मतलब 5 मिनट के आसपास का पावर है, उसके बाद आई थिंक उसका कुछ कूल डाउन होगा, और उसके बाद फिर से हम लोग यूज़ कर पाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और भाई साहब स्टेमिना हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है,
ऑल राइट गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे वापस आ चुके हैं, तो फटाफट से ओपन करते हैं और एक काम करते हैं, ये बुझा दो और सबसे पहले ये सारी की सारी चीज़ें हमें करनी है रिपेयर। ओके गाइस, सो यहाँ पे हमें देखना है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ओपन हो चुकी है हमारे लिए। ओके गाइस, सो अभी हम लोग पिकैक्स बना पाएंगे। ओके, सो एंटलर हमें इस काम का आएगा, तो फटाफट से एक काम करते हैं, क्राफ्ट करते हैं। और अभी हमारे पास गाइस पिकैक्स आ चुकी है, तो अभी हम लोग, अगर आपको पता हो तो हमने यहाँ पे कॉपर और यहाँ कहीं पे फ्लिंट, हाँ यस यस, और टीन का भी कहीं पे तो हमने देखा था ये टीन। तो ये सारी जगह पे हम लोग अभी जा पाएंगे गाइस, ये सारे लोकेशन एक्सप्लोर करने के लिए और वहाँ से भर भर के चीज़ें लेके आ पाएंगे। वो हम लोग गाइस कवर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, या तो फिर हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ये चीज़ मैं लाइव स्ट्रीम में कवर करूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आज के वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया है तो ये वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।